टॉपिक का नाम है एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स क्या हैं? एक बात बताओ, अगर मैं इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं और कोई रिंग लूं इसमें, तो रिंग में जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। मानते हो हमने किया, किसी भी रिंग में इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। पर इमेजिन करो, मैं इसमें अब रिंग नहीं लेता, मैं डिस्क लेता हूं मेटल की बनी हुई, मैं शीट लेता हूं मेटल की बनी, उसमें क्या होगा? उसका भी तो फ्लक्स चेंज होगा और वो भी कंडक्टर की बनी हुई है, तो उसके अंदर भी करंट पैदा होगा, उसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो रिंग के अंदर करंट इंड्यूस करंट, शीट के अंदर, डिस्क के अंदर करंट, एडी करंट। ये एडी करंट्स नाम कहां से आया? होता क्या है, जैसे मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क है, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आपने चेंज किया, अगर रिंग होती तो इसके सर्कमफ्रेंस में करंट आ जाता, बात खत्म। पर अगर ये डिस्क है तो इसके अंदर कंसेंट्रिक करंट्स जनरेट हो जाएंगे, कुछ ऐसे करंट के बाहर करंट के बाहर करंट के बाहर करंट, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे करंट ही करंट है। तो इमेजिन करो, डिस्क रिंग से बनी हुई है, तो बहुत सारी रिंग्स होंगी, हर में अपना अपना करंट आ जाएगा। इस बहुत सारे इंड्यूस करंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई समुंदर के अंदर कोई साइक्लोन आ गया है। चेक करो, ऐसा लग रहा है साइक्लोन आ गया है, या वर्लपूल बोलते हैं जिसे, वर्लपूल। और इसका तीसरा नाम है एडी, तो इसका नाम है एडी करंट्स। तो ये देखने में वर्लपूल जैसे लगते हैं, तो इसका नाम है एडी करंट्स। ठीक, वर्लपूल जैसा करंट है इसमें। ठीक है यहां तक? तो अगर ये शीट रेक्टेंगुलर हुई और इंड्यूस करंट कैसा होगा? इंड्यूस करंट ऐसे होगा, ये देखो कंसेंट्रिक होगा, सारे का सारा ऐसे होगा। तो ये सब एडी करंट्स हैं। तो एडी करंट आर इंड्यूस करंट्स, तो कुछ फर्क क्या है? एक करंट इंड्यूस करंट, अनेक करंट्स एडी करंट्स। ठीक है यहां तक? तो एडी करंट्स हैं शीट में, तो करंट क्या है? इंड्यूस करंट बाय रेजिस्टेंस, खत्म कहानी, सेम एक ही बात है। अब एडी करंट्स की एप्लीकेशन क्या है? एडी करंट्स की एप्लीकेशन में अगर आप वापस चलते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम था गैल्वेनोमीटर, याद है गैल्वेनोमीटर किया था? तो गैल्वेनोमीटर में क्या किया था, मैग्नेट थी, बीच में कॉयल थी, कॉयल रोटेट करती थी और हम करंट को मेजर करते थे, क्योंकि जब करंट उसमें पास करते थे तो वो टॉर्क जनरेट करती थी, वहां से करंट को मेजर करते थे, यही रूल था। अब मान लो कि आपने करंट मेजर करने, आपने करंट मेजर कर लिया, उसमें टॉर्क जनरेट हुआ, आपने फिर करंट को बंद कर दिया, तो जो लूप है वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आने की कोशिश करेगी। ठीक है यहां तक? तो क्या हुआ, इसमें जो लूप है पहले वो घूमा, आपने करंट मेजर कर लिया, आपने करंट स्विच ऑफ कर दिया, काम खत्म, आपने कहा मेरा काम खत्म हो गया, बस छुट्टी, करंट बंद। तो ये लूप ऐसे आएगी। अब सोचो क्या होगा, ये लूप जब ऐसे आएगी, मैग्नेट के बीच में पड़ी हुई है, इट विल जनरेट इंड्यूस्ड करंट, इसमें एम ही करंट पैदे हो जाएंगे। मतलब आपने अपना काम भी कर लिया पर लूप अगर यहां पर झूलती रह गई बीच में ऐसी, तो इसका फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, गैल्वेनोमीटर बैठा बैठा सुई घुमाता रहेगा। आप सोचोगे क्या चक्कर है, कैडी यहां पे करंट्स कैसे जनरेट हो गए? आपको समझ में आ रहा है क्यों? इंड्यूस करंट पैदा हो जाएंगे। अब ये इंड्यूस करंट अनवांटेड करंट्स हैं। मैं क्यों चाहूंगा कि अनवांटेड करंट, मैं चाहूंगा लूप एकदम रेस्ट पे रहे, बिल्कुल मूव ना करे, क्योंकि अगर ये मूव कर गई इसमें करंट पैदा हो जाएगा, अगर ये मूव नहीं करेगी तो ये करंट इसमें पैदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो लूप है, जो वायर है, उसको एक शीट के ऊपर लपेटते हैं। गैल्वेनोमीटर में जो वायर है उसको एक शीट के ऊपर लपेटते हैं। अब शीट क्यों लपेटते हैं, मेटल की शीट होती है उसके ऊपर लपेटा जाता है, क्यों? क्योंकि सोचो आप, मान लो ये अगर झूलना स्टार्ट करती है ऐसी खड़ी खड़ी, आपका हाथ लग गया, कुछ भी ऐसे मूव करती है, तो जैसे ये मूव करेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर क्या जनरेट होंगे, एडी करंट जनरेट हो जाएंगे, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। वो इंड्यूस करंट क्या कहते हैं? अच्छा, तुमने मेरा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अभी आपका फ्लक्स इसमें जीरो है, तो जैसे ही इधर आएगी इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एडी करंट कहेंगे अच्छा मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, अब मैं ऐसे करंट को जनरेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, एडी करंट को पता है कि अगर मैं करंट जनरेट करूंगा तो करंट कैरिंग कॉइल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जनरेट अ टॉर्क। तो ये ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा कि इधर आने से मना कर देगा, ओके, मैं ऐसा करंट पैदा करूंगा कि तुम मुझे इधर लेके आ रहे हो, मैं इधर आऊंगा ही नहीं, मैं उल्टा आऊंगा। और अगर तुम इधर लेके आ रहे हो कि चलो फ्लक्स को जीरो कर दूं, ये कहता है अच्छा तुम मेरा फ्लक्स कम कर रहे हो, तो एडी करंट ऐसे पैदा करेंगे अपना टॉर्क कि कॉइल को इधर भी आने देंगे। तुम अगर कॉइल को इधर लेके जा रहे हो, इधर नहीं आने देंगे,
इधर लेके आ रहे हो, इधर नहीं आने देंगे, करंट ऐसा पैदा करेंगे जो टॉर्क जनरेट करेगा, जो मोशन को क्या करता है, अपोज करेगा। एडी करंट मोशन को हमेशा अपोज करते हैं, क्योंकि एडी क्योंकि नॉर्मली फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, और एडी करंट क्या, इंड्यूस करंट नहीं चाहते कि फ्लक्स चेंज हो, तो मोशन को अपोज करेंगे। अब सोचो कॉइल हल्की सी भी इधर मूव करती है, उसी टाइम एडी करंट मोशन रोक देगा, हल्की सी इधर मूव करती है एडी करंट मोशन रोक देगा। अब ये ना कॉइल इधर जाने जा सकती है ना इधर आ सकती है, तो जहां है वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए कॉइल्स को किसके ऊपर लपेटा जाता है, किसी भी शीट के ऊपर लपेटा जाता है मेटल की, ताकि उसमें एडी करंट जनरेट हो। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें हम इसको मोशन को बिल्कुल रोक देते हैं, ऐसे गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड एकदम मोशन को डेड कर देता है। और ऐसे इस प्रोसेस को जिसमें हम इसकी मोशन को बिल्कुल रोक देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब एनर्जी का लॉस, बिल्कुल लॉस कर देते हैं, मोशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अब ये तो अच्छा हो गया, कॉइल मूव नहीं करेगी, अनवांटेड करंट आएंगे नहीं, क्योंकि एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं, वो हिलने नहीं देंगे। आपको लगता नहीं नुकसान भी है? क्या नुकसान है इससे? हाँ, जब हम इसमें अब चाहेंगे कि चलो करंट पास करें, और हम चाहते हैं कि कॉइल मूव करे, मैंने करंट मेजर करना है, तो एडी करंट तब भी जनरेट होंगे और मोशन को क्या करेंगे, अपोज। अब वो कहेंगे अच्छा तुम अगर करंट जनरेट करके टॉर्क जनरेट करोगे तो मैं करने भी नहीं दूंगा, तो तुम्हारा करंट जो एक्चुअल करंट है उसे कम रीडिंग आएगी, तो उससे रीडिंग अलग आएगी। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो अनवांटेड करंट तो हिल गए या हट गए, लेकिन जो वांटेड करंट है उसकी वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होकर आएगी, क्योंकि एडी करंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके करंट में आपकी नॉर्मल जो एक्यूरेट करंट है उसको डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर है यहां तक? सेकेंड एप्लीकेशन एडी करंट की। अब एडी करंट इस शीट में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैं चाहता हूं कि एडी करंट थोड़े कम जनरेट हो, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, इसमें शीट की कटिंग कर देता हूं, ऐसे काट दिया देखो बीच में से। इससे क्या हुआ, जब शीट को कट करते हैं ना, तो एडी करंट को अब ज्यादा बड़ा रास्ता कवर करना पड़ेगा लूप कंप्लीट करने के लिए। ज्यादा बड़ा रास्ता का मतलब ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस, ज्यादा लेंथ, ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप उसमें डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे। तो एक तरीका है कि जिससे कि एडी करंट को थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है शेप को चेंज करके। तीसरा इसका एप्लीकेशन है, एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड के अंदर आपने करंट पास किया। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। वैसे नॉर्मली करंट पास करने के लिए बैटरी लगती है, लेकिन ये क्या है, ये जो बैटरी है वो डीसी करंट पास करता है, ये एसी का सिंबल है। एसी का सिंबल ऐसा क्यों है, लास्ट टाइम हमने जनरेटर किया था, जनरेटर के अंदर करंट कैसे पैदा होता था, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल ऐसा होता था, इसको सर्कल में डाल दिया, ये देखो एसी, तो अल्टरनेटिंग है, यानी कि करंट अपनी वैल्यू को भी ज़्यादा कर रहा है कभी कम कर रहा है, साइनोसाइडल नेचर है, ये सिंबल है एसी करंट का। तो एसी चैप्टर में बैटरी नहीं लगती, एसी चैप्टर में ऐसा कि ये डैम से इस तरीके से करंट आ रहा है, जैसे वो एसी जनरेटर जो जनरेट करता है, ये सिंबल है, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट करंट नहीं है। ठीक, अब हुआ क्या, ये सोलेनोइड है तो सोलेनोइड में करंट गया। अब शुरू में मान लो करंट बढ़ रहा है, कम भी होगा पर मान लो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इमेजिन करो कि जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल डेवलप हो गया और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया सोलेनोइड के एक्सिस पे नॉर्थ टू साउथ। यहाँ तक क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, और क्योंकि करंट बढ़ रहा है शुरू में, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, एक्सिस के अलोंग इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक ना मेटल का ढक्कन पड़ा हुआ था, कैप ऐसी पड़ा था रेस्ट पे, डिस्क पड़ी हुई थी मेटल की। अब क्या हुआ, उस डिस्क का भी बी बढ़ गया, क्योंकि ये जो बी है उसके एक्सिस में से पास कर गया, डिस्क का बैठे बैठे बी बढ़ गया, डिस्क है अच्छा मेरा बी बढ़ गया, मेरा फ्लक्स बढ़ गया, मैं नहीं चाहता मेरा फ्लक्स बढ़े, तो डिस्क क्या करेगा, अपने अंदर एडी करंट्स या इंड्यूस करंट्स जनरेट कर लेगा। तो अगर ये साउथ है तो डिस्क भी नीचे क्या पोल डेवलप कर लेगा, साउथ, ताकि साउथ साउथ को क्या करे, रिपेल, और डिस्क थोड़ी दूर चला जाएगी डिस्क, ताकि अपने फ्लक्स को क्या कर सके, कम कर सके। तो डिस्क हवा में उछल जाएगी, तो क्वेश्चन यही है डिस्क हवा में क्यों उछली, क्योंकि डिस्क में क्या डेवलप हुए, एडी करंट्स यानी कि इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करते हैं, अपोज। अपोज वो बेचारे क्या कर सकते थे, अपने अंदर करंट पैदा करके पोल डेवलप करके ऑपोजिट पोल डेवलप कर लेंगे साउथ के सामने साउथ, ताकि दूर भाग सके, तो हवा में उछल जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है
ऑप्शन फर्नेस, आप मान लो कोई मेटल है और ओर है, उसमें से मेटल को पिघला के बाहर निकालना चाहते हो, इम्प्योरिटीज को अलग करना चाहते हो, केमिस्ट्री में करते हो आप, अब फर्नेस में डाल देते हो, गर्म करते हो। फर्नेस कोयले से भी चलती है, हर चीज़ से चलती है। तो वो कहता है कि आप एक काम करो, एक ऐसा बॉक्स तैयार करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, 0 से 500 टेस्ला, 500 टेस्ला से 0 टेस्ला एकदम। इससे क्या होगा, अंदर पड़ा हुआ जो मेटल है ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, मेटल में क्या डेवलप हो जाएंगे, एडी करंट्स बैठे बैठे, क्यों, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और मेटल नहीं चाहेगा फ्लक्स चेंज हो, अपने अंदर एडी करंट जनरेट कर लेगा। वो एडी करंट इतना ज़्यादा जनरेट हो जाएगा इन वैल्यू, क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा आपने चेंज किया, कि वो एडी करंट इतना करंट वैल्यू पैदा करेगा कि मेटल हीट हो जाएगा और पिघल के साइड पे हो जाएगा। यही तो फर्नेंस है, कि आप बहुत तेज भी चेंज करोगे तो उससे करंट इतने ज़्यादा जनरेट होंगे कि गर्मी से वो पिघल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये फर्नेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, अब ब्रेक्स के अंदर क्या है, ट्रेन है, ट्रेन चल रही है और बिजली से अप्लाई करने वाली ब्रेक्स, ताकि वो रुक जाए। जब ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, साथ में ड्रम घूमते हैं उसके, मेटल का ड्रम होता है, जिस स्पीड पे ट्रेन चल रही है व्हील्स के साथ कनेक्टेड होता है, उसी स्पीड पे ड्रम घूम रहा है। तो क्या करते हैं, बिजली से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं ड्रम के अक्रॉस, ड्रम मेटल का बना हुआ है, ड्रम में एडी करंट जनरेट हो जाते हैं, एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं, वो जैसे ही आगे जाता है एडी करंट उल्टे करंट जनरेट करके मोशन को अपोज करके ट्रेन को रोक सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में यही होता है, कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो ड्रम जो घूम रहा है उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे अपने आप, जो मोशन को क्या कर देंगे, अपोज, और ट्रेन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके कुछ नुकसान भी हैं, इमोशन को यार अपोज करते हैं, मोशन को अपोज करते हैं, जहां मैं चाहता हूं चीज़ें घूमें वहां ठीक से घूम नहीं पाएंगी, क्योंकि एडी करंट जनरेट हो जाएंगे जो मोशन को अपोज करेंगे। दे इन्वॉल्व लॉस इन एनर्जी, जहां एडी करंट जनरेट होंगे चीज़ें गर्म भी होंगी और सड़ जाएंगी, तो लॉस इन एनर्जी फालतू एक लॉस है। एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक इंसुलेशन, तो उसकी जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाती है, गर्मी ज़्यादा जनरेट तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि मेटल जो ट्रांसफॉर्मर जैसी मशीन्स हैं उसमें मेटल का कोर है वो थिन शीट्स की फॉर्म में लिया जाता है, इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या इसमें ये बताया गया है कि सपोज करो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे काम करता है ये तो चलो सेकेंडरी है, बड़ी बात अलग बात है, बस ये समझो ट्रांसफॉर्मर का लोहा है जो बीच में लोहे का बना हुआ ट्रांसफॉर्मर है, और ये समझो कि यहाँ पे करंट ही करंट है, वायर्स ही वायर्स हैं, करंट ही करंट है इनमें, और करंट कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स है। ट्रांसफॉर्मर बैटरी से चलता नहीं है, ये तो पीछे से डैम से बिजली आ रही है उससे चलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज, हर वक्त अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब होगा क्या, ये लोहा है, लोहा कहता है अच्छा तुम अगर करंट को चेंज कर रहे हो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर रहे हो, करंट बढ़ेगा तो करंट कैरिंग लूप के आसपास भी बढ़ेगा, करंट कम होगा तो भी कम होगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो इस लोहे में क्या जनरेट हो जाएंगे, एडी करंट, एडी करंट से लोहा गर्म हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है, पहले ही मान लो गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस वैसे बाहर चला हुआ है, गर्मी पड़ रही है, ऊपर से हीट आई स्क्वायर आर टी का लॉस है, इलेक्ट्रिसिटी वैसी तारे गर्म है, ऊपर से एडी करंट भी जनरेट हो गए, वो लोहा और गर्म कर देंगे, तो फिर तो ट्रांसफॉर्मर सड़, अब देखकर गर्मियों में ट्रांसफॉर्मर सड़ जाते हैं जगह 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 जगह, ये गर्मियों में सड़ते हैं, सर्दी में कुछ नहीं होता, सर्दी में वैसे ठंड पड़ रही होती है, ट्रांसफॉर्मर उड़ेगा ही गर्मी से, और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे ही होता है, जितनी गर्मी है उसी दिन देखना बिजली की प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम यही है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हम मिनिमाइज, देखो एडी करंट रोक नहीं सकते, लोहे को तो प्लास्टिक में बना नहीं सकते, तो लोहा तो यूज़ करना ही पड़ेगा उसके अंदर, तो हम इसको कम कर सकते हैं। कम कैसे करते हैं, इस लोहे में बहुत एडी करंट जनरेट हो जाएगा, लोहे को गर्म कर देगा। हम क्या करेंगे, इस लोहे के कोर को, कोर बोलते हैं इसे, इसको ना स्लाइस में थिन शीट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे, ये इसकी छोटी पतली 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 लेयर्स बना देंगे, और हर लेयर को इंसुलेट कर देंगे एक दूसरे से, ताकि ये आपस में करंट मिक्स ना हो सकें, इंसुलेशंस हैं। अब क्या होगा, आपको कि एडी करंट इसमें जनरेट नहीं होगा, इसमें भी जनरेट होंगे, लोहे को तोड़ के ऐसा बना दिया शीट्स की फॉर्म में, तो एडी करंट इसमें भी जनरेट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, पर होगा बड़ी कम अमाउंट में, क्योंकि अगर इकट्ठा लोहा होगा तो मिल जाएंगे सारी एडी करंट, तो बहुत लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया एडी करंट को, छोटी छोटी लेयर में अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने से क्या हुआ, एडी करंट की अमाउंट कम हो गया, तो ये ज़्यादा लोहे को गर्म
कर नहीं पाएगा। जब ये इससे मिलेगा तब ज़्यादा करंट होगा, मिलेगा ही नहीं, करंट तोड़ दिया अलग अलग एरिया में और इंसुलेशन कर दी। इससे आपका लोहे का जो कोर है वो गर्म नहीं होता, या आप हीटिंग लॉस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही इस के अंदर आता है पेपर में कि मेटल कोर टू बी यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेशन है। सच कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। तो आपने क्या किया, एक कोर को क्या बना दिया, लैमिनेटेड कोर बना दिया, विच कन्फाइंस, रोक देता है एडी करंट टू इंडिविजुअल शीट। तो अलग अलग शीट्स में रोक के रखता है, इससे काफी हद तक एडी करंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन है एडी करंट्स की।